नमस्कार दोस्तों, माई स्मार्ट बिहार के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। दोस्तों, बिहार में दो महीने का बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने का अभियान शुरू हो गया है। बिजली कटने के बाद सप्लाई चालू कराने के लिए बकाया बिल के साथ डिसकनेक्शन और रीकनेक्शन शुल्क जमा करना होगा। अभियान के दौरान मीटर रीडर बकायेदार उपभोक्ताओं को नोटिस देंगे और पेशू के इंजीनियरों के मुताबिक सभी 13 डिवीजन में और सभी 38 जिलों में 200 करोड़ रुपये तक बकाया है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के यहाँ 142 करोड़ बकाया है। मार्च 2021 में अभियान चलाकर वसूली की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद फिर बकाया हो गया। बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं को बिजली काटने का मैसेज भेजा गया है। जो एक बार बिल जमा करने में असमर्थ है वो किस्त करवा सकते हैं। पेशू के 5 डिवीजनों में सबसे अधिक बकाया है। इसमें गुलजारबाग, कंकड़बाग, पटना, जमुई और दानापुर डिवीजन है। इन डिवीजनों में 21 जून से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान चल रहा है। पेशू क्षेत्र में उपभोक्ताओं की कुल संख्या करीब 5,80,00,000 है। इनमें 80,000 से अधिक उपभोक्ताओं के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य हुआ है। नया कनेक्शन लेने वाले के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगाया जा रहा है और इसको लेकर बिहार सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को।